So, hey my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. Guys, आप लोगों ने तो देखा ही था हार्टब्रोकन बट ब्यूटीफुल लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि हाँ जोहा नैनो को दुबई नहीं बल्कि एक और कंट्री लेके जा रही थी जो कि उसने बोला था उसकी फेवरेट कंट्री है। नैनो बहुत एक्साइटेड थी वहाँ जाने के लिए और जैसे ही इनका प्लेन लैंड होता है तो जोहा नैना का हाथ पकड़ती है। नैना कहती है आर यू एक्साइटेड? नैना होती सच कहूँ तो बहुत ज़्यादा, जिस पर जोहा मुस्कुराती है और फिर ये लोग एयरपोर्ट पे आते हैं जहाँ अपना लगेज वगेज उठाते हैं और उसके बाद बाहर आ जाते हैं। यहाँ नैना बोलती मुझे तो इनकी इनकी लैंग्वेज समझ ही नहीं आ रही, कैसे अजीब से बोल रहे हैं लोग, जिस पर जोहा मुस्कुराती है और कहती है डोंट वरी, यहाँ पे बहुत से लोगों को इंग्लिश भी आती है तो तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। नैना बोलती आई गेस ऐसा ही हो। तभी यहाँ जोहा एक आदमी से मिलती है जो कि टैक्सी ड्राइवर था, जोहा उससे बात कर रही थी, उसे ना अपनी नेशनल लैंग्वेज के अलावा कोई और लैंग्वेज नहीं आती थी। नैना बोलती आपने तो बोला था इन्हें लैंग्वेज आती है। जोहा बोलती कैन यू स्पीक इंग्लिश जर्मन एनी लैंग्वेज? तो बोलता है हाँ जर्मन। तो यहाँ उसे जर्मन में बात करने लगती है। नैना एकदम हैरान हो जाती है कि जोहा को जर्मन भी आती है और कितनी लैंग्वेजेस आती हैं इसे। तो जोहा उसे जर्मन में बात करती है और फिर उसे रेस्टोरेंट के बारे में रिजॉर्ट के बारे में सॉरी बताते हैं जहाँ इन लोगों ने स्टे करना था। तो वो इन्हें उस रिजॉर्ट में लेके जाता है। वो रिजॉर्ट बहुत सुंदर था, मतलब ये दरिया के ऊपर बना हुआ था और बहुत ही हसीन था। नैना तो बस देखती जा रही थी कितनी वाह ये कितना सुंदर है। सुहा बोलती यही तो खासियत है मालदीव की, यहाँ बहुत रोमांटिक प्लेसेस हैं। नैना बोलती रोमांटिक? सुहा बोलती रोमांटिक। नैना बोलती वैसे ये प्लेस ना 10 out of 10 है, बहुत कमाल है। सुहा बोलती अभी आगे तो चलो और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो यहाँ जोहा रिसेप्शन पे आती है, ऑलरेडी उसने यहाँ बुकिंग कर रखी थी। तो यहाँ स्टाफ जो है वो इन लोग का संभाल लेता है और इन्हें रूम की तरफ ले जाने लगता है। रूम भी बड़ा प्यारा था, बड़ा सा खुला सा और खूबसूरत व्यू, दरवाज़ा खोल विंडो खोलो तो सामने ही दरिया साफ दिख रहा था। नैना बोलती काश मुझे स्विमिंग आती। सुहा बोलती मैंने सिखाई तो थी। नैना बोलती उस स्विमिंग से तो मैं डूब जाऊँगी, अच्छी नहीं थी, मतलब इतनी प्रोफेशनल नहीं हुई मैं। जोहा बोलती इट्स ओके मैं तुम्हें डूबने नहीं दूंगी, ट्रस्ट मी। नैना बोलती जोहा बोलती फीलिंग हंग्री? नैना बोलती बहुत ज़्यादा। जोहा बोलती यहाँ का खाना भी वैसे बहुत अच्छा है। तो ये लोग खाना खाने के लिए रूम से बाहर जाते हैं। जोहा मेन्यू मंगवाती है और नैना को कहती है बताओ क्या खाओगे। नैना बोलती कुछ अच्छा सा। तो यहाँ जोहा जो है वो कुछ अच्छा सा खाना ऑर्डर करती है और व्यू बहुत ही सुंदर था, ये लोग व्यू को देख के खा रहे थे। नैना बोलती व्यू कितना सुंदर है ना। तो जोहा मुस्कुराते हुए नैना को देखते कहती हाँ सच में बहुत सुंदर है। नैना ब्लश करते कहती मैंने अपनी नहीं व्यू की बात की। जोहा बोलती हाँ तो मैं भी तो व्यू की बात कर रही थी। नैना स्माइल करने लगती है। नैना मन ही मन कहती है पक्का पक्का जोहा मैम मेरे लिए कुछ ना कुछ तो फील करने लगी, जिस तरह वो मुझे देख रही हैं कुछ अलग ही नज़र से देख रही हैं, शायद वैसे जैसे मैं इन्हें देखती हूँ। क्या सच में इन्हें मुझसे प्यार हो गया है या मैं ही कुछ ज़्यादा सोच रही हूँ? तभी जोहा बोलती क्या हुआ तुम खा क्यों नहीं रही? नैना बोलती हाँ मैं खाती हूँ। और फिर नैना खाना खाने लगते हैं, ये दोनों खाना खाते हैं और उसके बाद वहाँ पास में चेयर्स रखी हुई थी वहीं बैठ के व्यू को एंजॉय करने लगते हैं। व्यू बहुत बहुत खूबसूरत था। नैना अपना मोबाइल निकाल के कुछ पिक्स लेती है। जोहा बोलती सेल्फीज? नैना बोलती शॉर्ट। जो अपना मोबाइल लेके नैना की तरफ हाथ बढ़ा दिया। नैना खड़ी होती है और फिर ये लोग अपनी सेल्फीज लेने लगते हैं। यहाँ नैना बहुत से पोज बना रही थी। तभी जोहा बोलती वो तुम्हारा एक पोज है ना एक टांग थोड़ी सी ऊपर करके और यूँ हाथों को वो वाला पोज करो, उसमें तुम बहुत प्यारी आती हो। नैना ब्लश करने लगती है। जोहा नैना की पिक लेती है। नैना बोलती कैसी आई दिखाओ मुझे। जोहा बोलती बहुत अच्छी। नैना बोलती थैंक यू सो मच। और उसके बाद ये दोनों वहाँ का व्यू इंजॉय करने लगते हैं, हाथों में हाथ डाल के वहाँ पर घूम रहे थे। जोहा बोलती पता है ये सबसे रोमांटिक जगह है देखे जाए तो पूरी दुनिया में, यहाँ ना इतनी सुंदर सुंदर जगह है ना मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ। नैना बोलती यहाँ तो स्विमिंग पूल भी है। जोहा बोलती छोटा सा स्विमिंग पूल तुम्हें दिख रहा है सामने, इतना बड़ा दरिया नहीं दिख रहा, इतनी बड़ी रिवर नहीं दिख रही तुम्हें? हाँ नैना बोलती मुझे डर लगता है ना मैं डूब गई तो। जोहा हंसने लगती है कहते चलो तुम स्विमिंग पूल से ही काम चला लेना, वैसे हमारे रूम में भी एक है। नैना बोलती कहाँ मैंने नहीं देखा। जोहा बोलती चलो तुम्हें दिखाती हूँ। और फिर दोनों रूम में आते हैं। नैना देखती है रूम में
सिंपल नहीं है, आपने झूठ बोला था ना जहाबती, मैं कभी झूठ नहीं बोलती ना। नैना का हाथ होल्ड करती है, विंडो से बाहर लेके आती है, तो यहाँ ना विंडो के बाहर बाथटब जितना, मतलब बाथटब जितना तो नहीं है क्या, बाथटब से थोड़ा सा बड़ा, मतलब थोड़ी ही जगह में छोटा सा एक स्विमिंग पूल बना हुआ था। नैना बोलती है बहुत छोटा है, सहमति तो बाहर चले। नैना बोलती नहीं नहीं मैं यही ना आऊँगी, मैं बाहर नहीं जाऊँगी, मुझे डर लगता है। जो हंसने लगती थी, ठीक है तो चलो तुम्हारे कपड़े उतार देती हूँ। नैना बोलती नहीं कोई देख लेगा, सहमति हाँ कोई नहीं देखता चलो। तो जोहा नैना के कपड़े रिमूव करने लगती है। नैना की धड़कनें थोड़ी बढ़ रही थी, जोहा नैना के बहुत करीब थी। नैना बोलती छोड़िए ना मैं कर लूँगी। जोहा बोलती ठीक है तो मैं मेरे कपड़े रिमूव कर देती हूँ। जोहा अपने कपड़े रिमूव करते हैं और स्विमिंग पूल में चले जाते हैं। यहाँ नैना भी अब स्विमिंग पूल में आती है। वह स्विमिंग पूल ज़्यादा गहरा नहीं था और छोटा सा भी था, ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, तो वह आराम से उसमें बैठ के इंजॉय कर रही थी और बाहर रिवर की तरफ देख रही थी। सुहावती तुम्हारा मन कर रहा है तो चलते हैं ना वहाँ पे। नैना बोलती मैं डूब जाऊँगी। सुहावती ट्रस्ट में तुम्हें कुछ नहीं होगा, पर नैना बहुत बड़ी वाली फट्टू थी, वो मानती ही नहीं। सुहावती अच्छा ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। नैना यूँ स्विमिंग पूल पे हाथ रख के बाहर का व्यू देख रही थी, तभी सुहा जो नैना के पीछे आके उसके टोपी में हाथ डाल के और पीछे से खड़े हो जाते हैं। नैना की हार्ट बीट एकदम से बढ़ जाते हैं। नैना ज़रा सा फेस यूँ पीछे करते हैं और सुहा को देखते हैं। सुहा नैना की चीक्स पे किस करते हैं और उसे हक करके खड़े हो जाते हैं। नैना भी मुस्कुराते हुए अपनी आंखें क्लोज कर लेते हैं। दोनों थोड़ी देर तक ऐसे ही रहते हैं, तभी यहाँ दरवाजे पर नोक नोक होता है। सुहा बोलती मैं देख के आती हूँ। सुहा टॉवल लपेट के हल्का सा दरवाज़ा खोलते हैं। रूम सर्विस से सुहा बोलती मैंने कॉल नहीं किया। वो कहते मैम ये हम कुछ टॉवल्स वगैरह एक्स्ट्रा देने आए हैं। जोहाबती ठीक है। वो कहते मैम अगर आपका एक्स्ट्रा ब्लैंकेट वगैरह कुछ भी। जोहाबती कितने ब्लैंकेट है रूम में? कहते मैम दो हैं। जोहाबती हमारे तो एक से ही काम चल जाएगा। एनीवे थैंक यू सो मच। उसके बाद रूम सर्विस वाला लड़का वहाँ से चला जाता है। सोहा वो टॉवल्स वगैरह लेके नैना के पास आ जाते, कहती चलो बारह मिनट ठंड लग जाएगी। नैना बाहर आते हैं, सोहा टॉवल से उसका बदन पोंछते हैं और उसकी टांगों पे जैसे टॉवल लगते हैं। नैना बोलते मैं कर लूँगी। नैना टॉवल लपेट के रूम के अंदर चल जाते हैं। सुहा ब्लश करते हुए कहती क्या ये मुझसे शर्मा रही है? और फिर सुहा भी रूम के अंदर चले जाते हैं। यहाँ नैना बैग उठाने की कोशिश कर रही थी, सुहा एक ही हाथ से बैग उठा के बेड पे पटक देते हैं। नैना उस बैग को खोलती है और कुछ अपने लिए गर्म कपड़े कुछ सुहा के लिए भी निकालती है, क्योंकि यहाँ भी अच्छी खासी ठंड थी। तो यहाँ जोहा और नैना दोनों चेंज करते हैं। फिर जोहा नैना के बाल ड्राई करती हैं। नैना होती मैं कर लूँगी। सोहा बोती छोड़ के मैं कर रही हूँ ना। बाल ड्राई करने के बाद ये लोग थोड़ी बातें करते हैं और नैना बोती चलो ना बाहर घूम के आते हैं। सोहा बोती है ठीक है। तो ये दोनों बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं। सोहा बोती यहाँ से थोड़ी ही दूर बीच है, बीच देखोगी? नैना बोती नेकी और पूछ पूछ मैं तो पक्का देखूंगी। तो जोहा हंसने लगती है। जोहा नैना को बीच पे लेके जाते हैं। बीच बहुत बड़ा था और बहुत भीड़ भी थी। नैना बोलती यहाँ इतने सारे लोग क्यों हैं? सुहा बोलती क्योंकि सबको बीच पसंद आता है। और फिर यहाँ सुहा इतना बोल के अपना बैग खोलती है। बैग में उसने एक कपड़ा रखा हुआ था, वो नीचे भी जाती है और वहाँ नीचे रेत पे ले जाती है। नैना बोलती मैं नीचे नहीं लेटूंगी, मुझे भी कपड़ा दो। सुहा बोलती सॉरी मेरे पास तो एक ही था। नैना बोलती चीटिंग है। तो सुहा यूँ बाएँ फैलाती है, तुम चाहो तो मेरे साथ आके ले सकते हो। जगह बहुत ही तंग थी तो नैना उसके साथ यूँ चिपक के ले जाते हैं। गर्मी भी बहुत पड़ रही थी। नैना बोलती बहुत धूप है, इतने ठंडे इलाके से लेके फिर यहाँ लेके आ गए बीच पे, मुझे गर्मी लग रही है। नैना उठ जाती है। जहाँ मुस्कुराते हुए बैग से करीब निकालती है, कहती लाओ मैं तुम्हें लगा देती हूँ। नैना बोलती नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। जहाँ बोलती थोड़ी अपनी केयर भी कर लिया करो। जहाँ नैना के शोल्डर्स से लेके यूँ पीछे हाथ तक पूरा सारा क्रीम लगाती है, उसके पैरों पे क्रीम लगाती है, उसकी टमी पे, उसके बैग पे क्रीम लगाते हुए बैग पे किस कर लेती है। नैना यूँ उल्टी उस कपड़े पे लेटी हुई थी, तो वो थोड़ा शर्माने लगती है, कहती यहाँ बहुत लोग हैं। सुहावती सो व्हाट, नज़र घुमाओ, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है। नैना देखती है सब अपना अपना काम कर रहे थे, तो यहाँ सुहा भी वही नैना के पास ले जाते हैं। नैना यूँ सीधी होती है, कहती आप नीचे रेत पे हो, कपड़े पे आ जाओ। सुहा बोलती सारे कपड़े पे तो तुम सोई हो। नैना उठ के बैठ जाती है। सुहा अच्छे से कपड़े पे लेटती है, फिर वो नैना का हाथ होल्ड करके सब अपनी तरफ खींच लेती है। नैना एकदम सुहा के करीब आ गई थी। नैना सुहा को देख रही थी, सुहा भी नैना को देख रही थी। इन दोनों का आई कॉन्टैक्ट होता है। सुहा नैना के बालों को साइड करते हुए
उसके लिप्स पे किस करने लगती है। ऐना थोड़ा पीछे होते कि हम बहुत लोग हैं, सो वट इज सो वट, तुम डरती हो सबके सामने मुझे किस नहीं कर सकती, बस इतना ही था तुम्हारा प्यार। ना वो देखो ऐसे मत बोलो, मैं बहुत प्यार करती हूँ उनसे, जोहबत तो फिर मुझे किस करने में कैसे डर। इस पर नाना बोती ठीक है, तो नाना फिर जोह को किस करने लगती है, जोह मुस्कुराने लगती है, दोनों भी उसे को लिप किस करते हैं। फिर वहीं थोड़ी देर बीच पे बैठते हैं और फिर थोड़ा उठ के घूमने लगते हैं। जोहबती बोट राइट, नाना बोती बिल्कुल भी नहीं। जोहबती ओ कम ऑन, तुम बहुत बड़ी डरपोक हो, चलो ना। जोहा बहुत इंसिस्ट करती है, तो नाना डरते डरते आखिरकार हाँ कर ही देती है। यहाँ जोहा एक छोटी सी बोट लेती है और ये बोट नैना देखते ही डर जाते। जोहा बोट पे बैठती है और बोट चला रही थी। नैना बेचारी डर रही थी कि अरे यार इन्हें चलानी भी आती है, जोहबती बैठो ना। तो नैना बैठ ही जाती है, फिर जोहा वो छोटी सी बोट चला रही थी और नैना बस डरते हुए बोट को पकड़ के बैठी थी कि कहीं गिर ना जाए। नैना कहती धीरे चलाओ मुझे डर लग रहा है। जोहा अपना हाथ नैना की तरफ करती है और कहती रिलैक्स मैं हूँ ना। तो नैना यूँ जोहा को होल्ड करके बैठी थी। जोहा तो थोड़ा किनारे से दूर लेके जाने लगते, पर नैना चिल्लाने लगती नहीं नहीं मुझे डर लग रहा है, वापस किनारे पे लेके जाओ। तो जोहा बाइक फिर से बोट्स फिर से किनारे की तरफ कर लेते हैं। थोड़ी देर के बाद ये लोग किनारे पर आ जाते हैं। बोट जैसे रुकती है ना, नैना तो नीचे उतर जाती है। जोहा मुस्कुराते हुए नीचे उतरती है। मज़ा आया नैना, बहुत ही मज़ा आया, जान निकल गई थी मेरी, अपनी जान बुझ के किया ना। जोहा हंसने लगती है। जोहा जैसे ही पानी से बाहर आती है ना, तो वो एक फ़ोटोग्राफर को कहती है आपने हमारी पिक्स ली? कहते हैं यस मैम मैंने ली, आपको थोड़ी देर में मिल जाएंगे। जोहा बोलती है थैंक्स। नाना बोलती पिक्स? जोहा बोलती हाँ ये फोटोग्राफर है यही रहता है, इसे पिक्स का बोला मैंने। नाना बोलती आपने मुझे बताया क्यों नहीं, मैं तो इतनी डरी हुई थी, मेरे तो ख़राब चेहरा होगा। चेहरे पर जोहा हंसने लगते हैं, अगर इतनी फिक्र थी तो चेहरे पर स्माइल रखनी थी ना। नाना बोलती पर मुझे डर लग रहा था। जोहा नैना का हाथ होल्ड करते हुए थी, मैं पास थी फिर भी तुम्हें डर लग रहा था, मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? नैना बोलती ऐसी बात नहीं है, मुझे बस थोड़ा थोड़ा सा डर लगता। जोहा बोलती रिलैक्स सब ठीक है, हाँ कुछ नहीं हुआ ना तुम्हें और ना ही कुछ होगा, अब चलो। तो उसके बाद ये लोग थोड़ा वहीं पे बीच पे घूमते हैं और फिर जोहा और नैना वापस से आके फोटोग्राफ के पास आके फ़ोटोज़ मांगते हैं। वो फ़ोटोज़ की एडिटिंग वडिटिंग सब कर चुका था, फ़ोटोज़ देता है। जोहा से पेमेंट करती है। नैना बोलती देखो मेरा कितना डरा हुआ चेहरा था। जोहा बोलती ओ कोई है ही फट्टू, डेल्फ हो गया एक नंबर का। इस पर नैना गुस्सा करते हैं। जोहा बोलती ओ मेरा बच्चा चलो बस ज़्यादा गुस्सा मत करो। नैना जोहा को बोलती क्या क्या बोला आपने? जोहा बोलती मैंने बोला ज़्यादा डरो मत, गुस्सा भी मत करो, अब चलो। नैना मुस्कुराने लगती है, जोहा से इतने प्यार से जो ट्रीट कर रहे थे इसी पल के लिए, तो बेचारी कब से मरी जा रही थी हमारी नैना। वेल उसके बाद ये दोनों थोड़ा घूमते हैं, इधर उधर जाते हैं, थोड़ी पिक्स लेते हैं, थोड़ी मस्ती करते हैं और उसके बाद ये लोग वापस रिजॉर्ट आ जाते हैं, जहाँ आते ये दोनों फ्रेश वगैरह होते हैं, फिर थोड़ी बातें बातें करते हैं और फिर से भूख लगी थी। यार इंसानों का भी क्या है ना, सुबह का हो दोपहर का हो शाम का बस खाते ही रहो। फिर से इन्हें भूख लगी थी तो ये लोग खाना खाने जाते हैं और खाना खाने के बाद नैना बहुत थक गई थी तो वहीं पे मुंह लटका के बैठ जाते हैं। सोहबती क्या हुआ? नैना बोलती आई एम टायर्ड। सोहबती चलो रूम में चल के थोड़ा रेस्ट करते हैं। ये लोग रूम में आते हैं और जोहाना नैना को बेड पे लेटाते हैं, चलो अब सो जाओ। नैना लेटती है तभी जोहा भी फ्रेश होके आ जाती है, वो भी बेड पे आके लेट जाती है नैना के पास। नैना थोड़ा दूर होके सोई हुई थी तो जोहा नैना का हाथ पकड़ के उसे अपने करीब कर दिया और फिर उसे हक कर लेती है। नैना थोड़ा मुस्कुराती है। पहले नैना ही थी जो जोहा के करीब जाने की बहाने ढूंढ रही थी, पर अब तो नैना भी यार नैना के साथ साथ जोहा भी यार उसके करीब जाने के बहाने ढूंढ रही थी। क्या ये दोनों ही एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं? अगले दिन जोहा की आँख खुलती है तो देखते हैं नैना अभी भी सो रही है। जोहा नैना को किस कर दिया, वॉशरूम जाती है फ्रेश होके, फिर से आके लेट जाती है क्योंकि उसका मन ही नहीं कर रहा था जोहा से दूर जाने, नैना से दूर जाने का। यहाँ नैना की आँख भी थोड़ी देर में खुल जाती है, वो देखती है जोहा जगी हुई और उसे ही देख रही है। नैना तुरंत उठ के बैठ गई थी, आपका बोटी? जोहा बोती बस अभी। नैना बोती फ्रेश हो लिया आपने? जोहा बोती नैना बोती ठीक है मैं भी फ्रेश होके आती हूँ। जोहा बोती सो के अगर तुम्हें और सोना है तो। नैना बोती नहीं हमारे पास 5 दिन है और मुझे यहाँ सब घूमना सारी जगह। जोहा बोती ठीक है। यहाँ नैना जो है वो फ्रेश होके आती है, उसके बाद जोहा और नैना ब्रेकफास्ट करने के लिए जाते हैं। यहाँ जोहा जो है वो नैना को बोलती है आज कहाँ जाना है,
मैं ना बोलती हूँ जहाँ बोलो। जहाँ बोलती ठीक है, सोचना पड़ेगा फिर तो, क्योंकि यहाँ तो बहुत सी जगह है। जिसमें नैना बोती ठीक है पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद ये दोनों अच्छे से खाते हैं। और खाने के बाद जो बोती चलो यहाँ पे शॉपिंग के लिए जाते हैं। मैंने यहाँ पे सुना है बहुत सी फेमस जगह है शॉपिंग के लिए। नैना बोती पर हमारे पास सब कुछ है। जो बोती हमें ना जहाँ भी जाना चाहिए वहाँ की एक मेमोरी तो अपने साथ रखनी चाहिए, राइट? तो अब चलते हैं। तो यहाँ जोहा पता करती है एक फेमस प्लेस के बारे में जो शॉपिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। तो यहाँ जोहा नैना को उसी मार्केट में लेके जाते हैं। यहाँ मार्केट में बहुत भीड़ थी, ये लोग हर जगह घूमने लगते हैं। और यहाँ ज़्यादातर ना इन्हें फिश प्रोडक्ट्स ही दिख रहे थे। नैना बोलती क्या है, लोग फिश ही खाते हैं। जोहा बोलती और भी बहुत कुछ खाया जाता है, चलो अब आगे चलते हैं। तो उसके बाद ये लोग थोड़ा घूमते हैं और थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग भी करते हैं। मतलब वहाँ के जैसे कल्चर के जैसे ड्रेसेस लोग पहनते थे वैसे, और वहाँ पे थोड़ा आर्ट वर्क जोहा को दिखता है। तो जोहा की नज़रें तो बस वहीं रुक जाती हैं, जोहा वहाँ का आर्ट वर्क देखती है, उसे बहुत अच्छा लगता है। जोहा ना यहाँ से एक बैग लेती है, उसके ऊपर भी आर्ट वर्क हुआ हुआ था। जोहा बैग नैना को देती है, नैना बोलती ठीक है मैं पकड़ लेती हूँ। जोहा बोलती अरे पकड़ू, मैंने ये आपके लिए लिया, ये आपके लिए। नैना बोलती पर मेरे पास बैग्स हैं। जोहा बोलती अरे ये कितना प्यारा है, ले लो ना। इस पर नैना बोलती ठीक है। उसके बाद ये लोग बहुत सी शॉपिंग करते हैं, बहुत सारी मस्ती करते हैं। और यहाँ नैना कहती है चलो ना अब मैं थक गई। जोहा बोलती इतनी जल्दी? नैना बोलती हाँ मैं इतनी जल्दी थक जाती हूँ, अब चलो चलते हैं। और उसके बाद ये लोग शॉपिंग वॉपिंग करने के बाद थोड़ा घूमने के लिए चले जाते हैं। और यहाँ जोहा जो है वो नैना को एक और जगह लेके आए थे। ये जगह बीच से थोड़ा दूरी थी और वो जगह बहुत ज़्यादा सुंदर था। ये जगह ना कपल्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ जहाँ भी नज़र घुमा बस कपल्स ही कपल दिखते थे। और नैना बस सबको देख रही थी, वाह सब एक दूसरे कितना प्यार करते हैं ना। जोहा बोलती नैना बोलती हमारी तरह। जोहा कहती नैना बोलती हमारी तरह। जोहा बोलती नैना बोलती मतलब आप भी प्यार करते हो उनसे। इस पर जोहा तुरंत ही चुप हो जाते हैं और कुछ भी नहीं बोलते। नैना मुस्कुराती है और जोहा की खामोश में वो भी खामोश हो जाती है और कुछ भी नहीं बोलते। उसके बाद जोहा नैना को एक बहुत ही प्यारी जगह लेके जाती है, और वो जगह बहुत 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 ज़्यादा प्यारी थी। जोहा नैना को बोलती है अगर तुम्हें स्विमिंग आती ना तो हम बहुत इंजॉय करते। कहते मतलब क्या करते हम? जोहा बोलती हम डाइविंग करते, बड़ा मज़ा आता। आपको पता है अंदर इतनी सारी चीज़ें खूबसूरत खूबसूरत देखने के लिए, पर आप बहुत बड़ी डरपोक हो। नैना बोलती देखो आप मुझे डराओ मत। जोहा बोलती बनाना रीफ देखोगे? तो कहती वो क्या है? जोहा बोलती बहुत प्यारी है लेकिन उसके लिए ना हमें अंदर जाना पड़ता है, पर आप तो डर लगता है ना। नैना बोलती मुझे डर नहीं लगता, मुझे ढंग से स्विमिंग नहीं आती, और अगर मैं पानी के अंदर गई ना तो मुझे डर है मैं पक्का डूब जाऊंगी। जोहा बोलती ठीक है कोई बात नहीं। जोहा नैना को बोलती चलो वापस चलते हैं। तो जोहा नैना की तरफ हाथ बढ़ाती है, नैना जोहा का हाथ थामती है और हाथों में हाथ डाले ये लोग वापस अपने रिजोर्ट की तरफ आ रहे थे। तभी जोहा एक टैक्सी लेते क्योंकि रिजोर्ट थोड़ा अभी भी दूर था। तो ये लोग टैक्सी से अपने रिजॉर्ट जाते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा थक गए थे, इसलिए थोड़ा जाके लेट जाते हैं। नैना बोलती वैसे मैंने देखा है यहाँ पे ना हर कंट्री से कोई ना कोई आया हुआ। कहती हाँ क्योंकि जगह बहुत प्यारी है। जोहा बोलती है मुझे जगह बहुत अच्छी लगती है। नैना बोलती अच्छा आप कितनी दफ़ा यहाँ आई हो? जोहा बोलती सच कहूँ तो मेरा सपना था यहाँ आना पर कभी पूरा ही नहीं हुआ। पहले इतना पैसे नहीं थे, अफोर्ड नहीं कर सकती थी, और जब पैसे आए तो मन नहीं करता था यहाँ आने का। नैना बोलती ठीक है। जोहा बोलती अब सो जाओ, कल मैं आपको ना एक बहुत प्यारा रिजॉर्ट लेके जाऊंगी, वो रिजॉर्ट बहुत 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 सुंदर है। नैना बोलती है ठीक है। तो उसके बाद ये दोनों भी एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। अगले दिन नैना जल्दी से जगती है, वो फ्रेश होती है, जोहा को उठाती है उठो ना हमें जाना है। जोहा भी जल्दी से फ्रेश होती है और वो नैना को देखती है। नैना कौन कर रही थी? जोहा पीछे से आके नैना को हक करती है, उसके बालों को साइड करती है और नेक पे किस करती है। नैना थोड़ा ब्लश करके वो पीछे होती है, सोहा की बाहों में बाहें डालती है और सोहा की आंखों में देखने लगती है। ये दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से देख रहे थे।
फिर नैना जो के चिक्स पे किस करती है, कहती गुड मॉर्निंग सो बहुत ही गुड मॉर्निंग। जोहा भी किस करते हुए नैना के फोरहेड पे किस करते हुए नैना को हग कर लेती है। नैना ब्लश करने लगती है, ये दोनों एक क्वीट से कपड़ लग रहे थे, क्वीट से इस टाइम। और उसके बाद जोहा नैना का हाथ होल्ड करती है, कहती चले। नैना बोलती हूँ ओके। उसके बाद जोहा एक टैक्सी लेती है और थोड़ी देर के बाद ही ये लोग उस रिजॉर्ट में पहुंच गए थे। ये रिजॉर्ट आइसलैंड रिजॉर्ट था, बहुत सुंदर था। ये लोग अंदर जाते हैं, जोहा ने यहाँ पे एक टेबल बुक कर रखी है, ये लोग यहाँ पे ही अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। और मतलब क्या कमाल जगह थी ना, नैना बोलती वाओ ये अंदर शार्क्स हैं, फिशेज है, ये कितना प्यारा है। नैना तो बस यूँ साइड पे हाथ लगाए जा रही थी, ऊपर सारा पानी था, फिशेज थी, शार्क्स थी, और ये लोग उन्हें देखते हुए अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय कर रहे थे। नैना बोलती वाओ ये जगह तो किसी हेमन से कम नहीं है, जगह बहुत अच्छी है, बहुत 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 ज़्यादा। जोहावती देखा मैंने तो पहले ही बोला था ना ये जगह बहुत अच्छी है। नैना बोलती हाँ बहुत अच्छी है, वाओ हम यहाँ पहले क्यों नहीं आए, और मैं तो स्टूपिड हूँ मुझे इस जगह के बारे में कभी पता नहीं था। जो कहती पर मुझे तो पता था ना। नैना बोलती ऐसे हम यहाँ किसके साथ आना चाहती थी। जो चुप हो जाती है। नैना बोलती सॉरी। जो बोलती मैं यहाँ उस इंसान के साथ आना चाहती थी जो मुझसे बहुत प्यार करता, और देखो उसी के साथ आई हूँ मैं। अब ये सुनते ही ना नैना के फेस पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। नैना बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, जब जोहा को हग कर देती है, हम आपसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। और उसके बाद ये दोनों बातें करते हुए अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय करते हैं, और नैना को तो यहाँ से उठने का मन ही नहीं कर रहा था। जोहा बोलती कम हम पूरा दिन यहीं बैठ के बिताना है क्या। नैना बोलती इतनी सुंदर जगह है, मुझे नहीं जाना, मुझे तो यहीं रहना है। जोहा बोलती अरे अभी तो बहुत सुंदर जगह है जो हमें विजिट करनी है। नैना बोलती नहीं नहीं वो कल करेंगे, मुझे यहीं बैठना। नैना काफ़ी देर वहीं बैठी रहती है। फिर जोहा कहती चलो ना बेबी। नैना बोलती मुझे नहीं जाना। जोहा बोलती अच्छा ठीक है पिक्स ले। नैना बोलती फिर दोनों थोड़ी पिक्स लेते हैं। और उसके बाद जोहा बोलती है चलो ना एक और बहुत सुंदर जगह है, आपको वहाँ ले जाऊँगी। जिसपे नैना बोलती ओके। और उसके बाद ये लोग एक रिवर के साइड में आ जाते हैं। फिर से बोट थी और नैना डर लेती, सो उसका हाथ पकड़ के उसके बोट के अंदर लेती है। अरे बिल्कुल मत डरो सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा दूर आते हैं और नैना बोलती कहाँ है, कब से जो रिवर में घुमा रहे हो, बस कोरोना में थक गई। जो कहती वहाँ देखो, तभी नैना देखती और वो जगह बहुत प्यारी थी। मतलब वो ऐसे बनाना की शेप में, उसके ऊपर घास, बहुत बहुत क्यूट जगह थी और बहुत ही प्यारे से बादल थे, इतना खूबसूरत व्यू था ना। नैना बोलती वाह। सो बोलती ये है बनाना रेफ, अच्छा लगा। नैना बोलती बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा है ये बहुत अच्छा है। अब समझ आ ये बनाना रीफ क्यों है, क्योंकि ये बनाना की शेप का है ना। जोहावती हाँ क्योंकि बनाना की शेप का है। उसके बाद ये दोनों वहाँ पे कुछ पिक्स विक्स लेते हैं, थोड़ा इंजॉय करते हैं, और अब नैना को बोट से डर भी नहीं लग रहा था। और उसके बाद ये लोग वापस से किनारे के साइड पे आ जाते हैं, जहाँ लोग बहुत 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 ज़्यादा मस्ती करते हैं, थोड़ी बातें बातें करते हैं। और उसके बाद ये लोग लंच करने के लिए जाते हैं। लंच करने के बाद नैना बोलती अब कहाँ जाएंगे। जोहावती म्यूज़ियम, नेशनल म्यूज़ियम है यहाँ पे और बहुत बढ़िया है, वहाँ चलेंगे। नैना बोलती ओके। तो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद ये लोग चेंज वेंज करते हैं, और चेंज करके फिर ये लोग म्यूज़ियम के लिए निकलते हैं। म्यूज़ियम बहुत बड़ा और बहुत अच्छा था। नैना वहाँ की एक चीज़ को छूने लगती है, जो बोलती छूना मत। नैना बोलती अरे सॉरी मैं भूल गई थी, यहाँ तो छूना मना है और पिक्स लेना भी। तो ये दोनों थोड़ा घूमते हैं म्यूज़ियम, म्यूज़ियम पूरा देखते हैं, थोड़ी गपशप करते हैं, मस्ती वस्ती करते हैं। और उसके बाद ये दोनों म्यूज़ियम से बाहर आ जाते हैं। नैना बोलती मेरी टांगें टूट रही हैं, मैं बहुत थक गई हूँ। जोहा बोलती तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने पीठ पर उठा कर चल सकती हूँ। नैना बोलती नहीं नहीं आप भी तो थक गई हो ना, हम इतने दिन से सब घूम ही रहे, रेस्ट नहीं किया इसलिए थोड़ा थक गई हूँ। जोहा बोलती इट्स ओके आओ पीठ पर ले लेती हूँ तुम्हें। नैना बोलती नहीं 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 आप भी तो थकी हुई हो ना। जोहा बोलती इट्स ओके। जो यूँ नीचे बैठती है तो नैना उसके पीठ पे आ जाती है। जो नैना को यूँ पलट करके चल रही थी, नैना मुस्कुराते हुए जोहा को देख रही थी कि देख क्या सच में जोहा को मुझसे प्यार हो गया है, तभी वो ऐसे क्यूट क्यूट हरकतें कर रही है ना। आई एम श्योर अगर प्यार हो गया तो वो एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही, मुझे मुझे बता क्यों नहीं रही, कहीं वो डर तो नहीं रही, ऐसा क्यों कर रही है। जोहा मैं चाहती हूँ आपको मुझसे प्यार है। यहाँ
नैना जोहा के कान के करीब जाके कहती आई लव यू जोहा। जोहा ब्लश करते हुए कहती आई नो। नैना बोती बस इतना ही। जोहा बोती नैना खामोश हो जाती है। जोहा मुस्कुराती है और कहती मैं जानती हूँ तुम क्या सुनना चाहते हो, पर अभी नहीं, पहले मैं खुद एक बार श्योर हो जाऊँ। मतलब इतना सब कुछ हो रहा था पर जोहा अपनी फीलिंग्स को लेकर अभी भी श्योर नहीं थी। खैर थोड़ी ही दूर चलने के बाद यहाँ जोहा एक टैक्सी रोकती और ये लोग टैक्सी में बैठते हैं। नैना थोड़ा मुंह सुझाए बैठी थी। जोहा नैना का हाथ होल्ड करते हुए कहती क्या हुआ। नैना बोती कुछ भी तो नहीं हुआ। जोहा बोती तो ये मुंह क्यों लटका हुआ है। नैना बोती मेरा मुंह ही ऐसा है। जोहा बोती अरे किस बात का एटीट्यूड दिखा रही हो। नैना बोती एटीट्यूड नहीं है ये, मैं नाराज़ हूँ आपसे। जोहा बोती एक तो आपको पीठ पे उठा उठा के मेरी पीठ उठ रहे हो, ऊपर से आप ही नाराज हो। नैना बोती तो मत उठाती ना, मैंने नहीं बोला था आपको। जोहा बोती अरे ये मुंह क्या लगा रखा है। हाँ अच्छा इधर देखो किस बात पे नाराज़ हो। नैना बोती अरे वाह अब ये भी मैं बताऊँ कि मैं किस बात पे नाराज़ हूँ। जोहा नैना की करीब बातें कहती आई। नैना बोती हाँ फिर से बोलो। जोहा बोती आई। नैना बोती हाँ बोलो 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 कोशिश करो बोल पाओगे आप बोलो ना। जोहा कहती आई। नैना बोती क्या आई आगे भी तो बोलो। जोहा बोती ओके पहले एक क्लोज योर आइज। नैना बोती अब बोलो। जोहा नैना के कान के पास अपने लिप्स लेके आती हुई कहती आई लाइक यू। नैना बोती हाँ बस इतना ही। जोहा पीछे हो जाती है तुम्हें क्या लगा। नाना बोती नहीं कुछ नहीं क्या लगेगा यही लगा था मुझे। नैना फिर से थोड़ी अपसेट हो जाती है। जोहा मुस्कुराते हुए नैना के फेस को देखती है और कहती सब समझ रही हूँ मैं अब क्या सुनना चाहती हूँ पर इतनी आसानी से नहीं। और थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ही यहाँ होटल रूम आ जाते हैं और नैना आगे सो जाती है क्योंकि वो बहुत थक गई थी। यहाँ जोहा बोती नैना बहुत थक गई है मैंने एक काम करती हूँ स्पा में बुकिंग करा लेती हूँ। जोहा स्पा में बुकिंग करा लेती है। एक घंटे के बाद उस नैना को जगाते उठो हम स्पा जा रहे हैं तुम बहुत थक गई हो ना वहाँ जाके थोड़ा अच्छा फील होगा तुम्हें। नैना मना कर देती है। जोहा ज़बरदस्ती उसे उठाते और उसे एक अच्छे से स्पा में लेके जाते हैं। वहाँ जाके वो नैना को ड्रेस रिमूव करने को बोलते हैं। नैना तो डर ही जाती है। जोहा बोती अरे रिलैक्स मैं भी रूम में ही होंगी। नैना बोती तो जोहा की बात मान जाती है। नैना अपना ड्रेस रिमूव करती है उसके ऊपर टावल डाल दिया जाता है। जोहा पे भी दोनों यूँ पेट के बल लेटे हुए थे और जोहा नैना को देख रही थी। नैना बोती क्या है ऐसे मत देखो मुझे। जोहा बोती तुम बहुत प्यारी लग रही हो। नैना बोती ज़्यादा मत बनो। तभी वहाँ कुछ लेडीज़ आती है एक जोहा के पास एक नैना के पास जो उनका मसाज करने लगते हैं। नैना कहती आह मज़ा आ गया इनके हाथों में तो जादू है। जोहा बोती नैना आंखें बंद करके आराम से इंजॉय कर रही थी। तभी वो देख रही थी कि जो जोहा का मसाज कर रही है ना मतलब वो उसे छू रही है। नैना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नैना तुरंत ही उठे टॉवल को लेके अच्छे से खुद के लपेट लेते कि बस करो मैं कर लूँगी तुम मसाज तो तुम जाओ यहाँ से और तुम भी जाओ। जोहा बोती अरे करने दो ना मसाज ही तो कर रहे हैं। नैना बोती बिल्कुल नहीं क्यों क्यों छू रहे हैं आपको मैं छूँगी इसे। इस पर जोहा मुस्कुराने लगते हैं। वो दोनों लड़कियों को बाहर से निकाल देते हैं और फिर नैना जो है वो जोहा को खुद मसाज करने लगती है ऑयल वोल डाल के उसकी पीठ पे रब कर रही थी। जोहा मुस्कुराते हुए कहती तुम सच में जा रहा है इसको इन्हों। नैना बोलती हाँ तो मेरे होते हुए कोई और कैसे टच कर सकता है आपको। जोहा कहती अरे तुम्हें मसाज करना भी आता है। नैना बोलती यूट्यूब सब बताता है अभी पूछ लेती हूँ मैं। तो यूट्यूब पे वीडियो प्ले करती है उसमें बता रहे थे कि कैसे मसाज करना है। जैसे जैसे वीडियो में बता रहे थे ना नैना वैसे ही मसाज करी थी। जोहा बोलती अरे वाह यार लगता तुम पहले यही मसाज का ही काम करती थी। नैना बोलती ज़्यादा मत बनो। जोहा मुस्कुराते हुए थोड़ा ऊपर होती है नैना का फेस देखती है जो जेलसी के बारे फैटेड हो चुका था। जोहा नैना की चीक्स पे किस करती थी तुम बहुत क्यूट हो। तभी नैना ये जोहा की बॉडी को देखते हैं कि टॉवल हट गया था। नैना बोती आ। जोहा बोती क्या है पहली बार देखा है क्या चिल्ला क्यों रही हो। नैना बोती हाँ अब इतनी नॉर्मल क्यों हो। जोहा बोती ऐसे टॉवल रिमूव करो मुझे भी तुम्हें देखना तुम्हारी बॉडी भी शाइन कर रही होगी ना ऑयल की वजह से। नैना बोती जी गली बात मत करो। जोहा हंसने लगती है और फिर नैना को अपने करीब करके उसे किस करने लगती है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं आने वाले पार्ट में क्या होगा। अगर आप लोग को ये लव स्टोरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि आज की वीडियो का कौन सा पार्ट कौन सा सीन है फिर कौन सा डायलॉग आपको अच्छा लगा। चैनल पर नए हो या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।